ये फर्स्ट पे उनने एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ अहमद शर्ट। सेकंड है, व्हाट इज़ योर नेम, आप बताएंगे आपका नेम क्या है। उसके बाद हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड। उसके बाद है विच फ्लेवर डू यू लाइक, आप अपना पसंदीदा फ्लेवर बताएंगे इसमें। वेयर आर यू गोइंग, इसमें आप बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू स्कूल, या कुछ भी, या पार्क, जू, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द स्प्रिंग सीजन बाय लुकिंग एट द गिवन पिक्चर, यूज़ द गिवन वर्ड बैंक फॉर हेल्प। यहाँ पे आपने पिक्चर को देखते हुए इसके बारे में, स्प्रिंग सीजन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। और वर्ड्स हैं फ्लावर्स ब्लूम, कलरफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स, बेस्ट सीजन, प्लेजेंट वेदर, ग्रीन ग्रास, कूल विंड, रोजेस एंड ट्यूलिप्स, सन शाइनिंग। ये वर्ड्स हैं, वर्ड बैंक है जिसको यूज़ करते हुए आपने पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है? आ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज़ अ पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वी कैन यूज़ आर फाइव सेंसेस टू डिस्क्राइब एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस टू मेक आर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमेशा किसी पर्सन के बारे में, जगह के बारे में, या चीज़ के बारे में बयान किया जाता है, और उसको बयान करते हुए हम अपनी फाइव सेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो राइटिंग है, जो हम लिख रहे हैं, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। यू कैन स्टार्ट योर पैराग्राफ विद द फॉलोइंग लाइन, द स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, देयर आर सो मैनी रीजन्स टू इन्जॉय इट। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर ये ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए पैराग्राफ लिखना है। एक्टिविटी कॉर्नर में है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर मदर, योर स्कूल।